भागलपुर के निवर्तमान में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का तबादला मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के रूप में हुआ है। सुब्रत कुमार सेन ने नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को जिलाधिकारी कार्यालय में अपना पदभार सौंपा। सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर में दिए गए 3 वर्ष 27 दिन के कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए कहा कि सभी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और आम लोगों के सहयोग से उनका कार्यकाल बेहतर रहा। इस दौरान उनके समय में किए गए विकास योजनाओं को गिनाते हुए अधिकारी ने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से विकास कार्य धरातल पर उतारे जा सके। लर्फ के पैरेलल पुल हो, भोलानाथ पुल हो, भी पुल मुखपुर का ब्रिज हो, और भी SC ST के लिए जो आवासीय विद्यालय, BBC के लड़कों के लिए स्कूल और बहुत कुछ जो उस समय में चूंकि होना था और संयोग था कि मेरा पदस्थापन उस समय भागलपुर जिले में था सर। तो कई सारे कार्यों को करने का, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराने का मौका मिला, लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला सारे पदाधिकारियों का, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, नीचे ब्लॉक अंचल और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग बननी है, भी स्वीकृत हो चुकी है, पार्किंग भी है बंद, बहुत सब कुछ जो है चूंकि इस समय में सारा प्रोजेक्ट आया और एग्जीक्यूट हुआ तो उससे काफ़ी काम इस जिले में हुआ और टीम का पूरा सहयोग मिला, चाहे वो आपदा की स्थिति हो जो 2021 में जो पुराना सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ और अप्रत्याशित बाढ़ आई, या इलेक्शंस हो पंचायत का, नगर विकास का, MLC चुनाव का, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सब लोगों का, स्थानीय लोगों का, शांति समिति का, सिविल सोसाइटी का, सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और सब लोगों के सहयोग से 3 साल जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार की प्रायोरिटी है वो करने का मौका मिला। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सर, क्या कमी रह गई आप प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं, देखो ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो भागलपुर के लिए निरंतरता है, मतलब जो चलता रहता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे आके स्टॉप हो जाता है या कहीं रुक जाता है, एक निरंतरता में जो है विकास कार्य चलता रहता है। कुछ प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कुछ कम्प्लीट होता है, कुछ नया शुरू होने वाला होता है, तो वो तो लगातार होते रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा, सब लोगों का सहयोग रहा और सभी लोगों को, सारे हमारे मीडिया के बंधुओं को भी, स्थानीय लोगों को, सारे पदाधिकारियों को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल का समय कोई कम नहीं होता है और बहुत अच्छे से गुजरा, तो सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। वहीं भागलपुर के नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की समस्याओं को दूर करना है, साथ ही साथ जो भी विकास योजनाएं चल रही है उसको गति प्रदान करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ उन्होंने कहा कि जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करना उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। थैंक यू। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करूंगा और मैं देखूंगा कि लोगों की समस्याएं मूल रूप से क्या हैं और उसको प्रायोरिटाइज करूंगा, और प्रायोरिटाइज करने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि एक एक को हम लोग रिजॉल्व करें। और दूसरा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ज़िले का विकास तभी संभव है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ग्रोथ दें ताकि लोगों को हर मामले में सुविधा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी जिसको कि मैं सबसे पहले रिजॉल्व करना चाहूँगा। इससे पहले नए जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने नए जिलाधिकारी का स्वागत किया। वहीं भागलपुर से विदा हो रहे निवर्तमान DM सुब्रत कुमार सेन को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।